सड़क के बीच में तेज बारिश में एक लड़की बेतहाशा रोए जा रही है। तेज बिजली चमक रही थी, मानो आज उसके साथ सारा आकाश भी आंसू बहा रहा हो। ना उसे तूफान का डर था, ना आंधी का। वो तो अपनी ही दर्द की दास्तां याद करके फूट फूट कर रोए जा रही थी। अचानक एक 50 साल की औरत उस लड़की के कंधे पर पीछे से हाथ रख देती है। किसी अपने के छुअन से वो लड़की बड़ी ही सफाई से अपने आंसू पोंछ देती है। वो तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखती है। जी हाँ, यही है हमारी कहानी की मुख्य नायिका अंजलि। हाइट लगभग 5'6", रंग गोरा, कमर तक लहराते लंबे घने बाल, बेहद खूबसूरत सा चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों की तरह नाजुक से होंठ, बड़ी बड़ी लंबी पलकें, गहरी नीली नीली आंखें जिनमें काफी दर्द नजर आ रहा है, फिर भी चेहरे पर हल्की मुस्कान, कानों में इयररिंग्स, गले में पेंडेंट जिसमें AS लिखा है, गुलाबी रंग की साड़ी, हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां। चाची आप, चाची। अंजलि अपनी चाची को लिपट कर रोने लगती है। चाची अंजलि को समझाते हुए कहती है, बस कर मेरी बेटी, कितना रोएगी तू? आज इतने दिनों के बाद तुम्हारी आंखों में ये आंसू, आखिर बात क्या है? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम उसे भूली नहीं। चाची, कहां मैं अंजलि की जबान लड़खड़ा जाती है। मैं कैसे उसे भूल जाऊं? वो तो मुझे हमेशा याद आएंगे। उसी वक्त चाची का फोन बजने लगता है। उसी समय अंजलि को याद आता है कि वो दोनों बारिश में भीग रही हैं। अंजलि तुरंत चाची का हाथ पकड़कर सड़क के किनारे लगी अपनी गाड़ी में बिठा देती है। तभी सीमा का फोन बजने लगता है। सीमा फोन पर अन्वी का नाम देखकर अंजलि से कहने लगी, अरे ये अन्वी को क्या हुआ? चाची अंजलि से पूछती है, क्यों फोन कर रही है अन्वी? अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो अन्वी ही जाने। और इसके बाद अंजलि गाड़ी चलाने लगती है। लेकिन एक बार फिर चाची का फोन बजने लगा। चाची के फोन उठाते ही सामने से तेज आवाज आती है, माँ कहाँ हो आप? और दीदी घर कब आएंगी? अरे बस कर, कितना बोलेगी तू? मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दे, तेरी दीदी मेरे साथ ही है। सीमा ने अन्वी पर हल्का सा नाराज होते हुए कहा, क्या दीदी आपके साथ है? तो वो पार्टी में नहीं गई? अन्वी ने पूछा। सीमा अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी कि उसी समय अंजलि को सिग्नल नजर आता है। अंजलि अपनी गाड़ी रोक देती है और उसी वक्त अंजलि की आंखों के सामने एक बेहद आकर्षक खूबसूरत सा चेहरा नजर आ गया। गहरी काली आंखें जो समंदर की तरह शांत हैं, जिनमें डूब जाने को जी चाहे, जो एक बार उन आंखों में देखे तो उन्हीं में खो जाए। एक नजर ही काफी थी किसी को घायल करने के लिए। तभी अंजलि के कानों में एक दिल को छू लेने वाली आवाज गूंजने लगी, अंजलि ऐसे मत देखो मेरी आंखों में, नहीं तो मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार हो जाएगा। और उसी समय अंजलि जोर से चीखती है, श्लोक, तू मुझ में ऐसे समाई, बन गई मेरी पर।